ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं इस तरह का व्यवहार है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई। देखिए, ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है, और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। संजय सिंह जो है उनको लगातार प्रोटेस्ट, कल रात से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? और भी उनके साथ अन्य भी ऑपोजिशन जो है वो भी एकजुट हो रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं इस तरह का व्यवहार है। मैं समझता हूं कि जो उच्च सदन में जाए ना, तो उसको जरा अपने व्यवहार को देखना चाहिए और जाकर के मीडिया रिपोर्ट्स को, उनके व्यवहार को, वीडियोस को ध्यान में रखना चाहिए, और संसदीय जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।